अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छीनी हथौड़ी की तस्वीर शेयर कर ईवीएम की सुरक्षा पर उठाए सवाल। जी हां, यूपी विधानसभा चुनाव अभी खत्म भी नहीं हुआ है कि ईवीएम को लेकर बवाल शुरू हो गया है। सोमवार को लखनऊ के रामाबाई अम्बेडकर मैदान में स्टडी रूम परिसर में ईवीएम को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया था। मॉनिटरिंग अफसर की सरकारी गाड़ी में छीनी हथौड़ी ताले प्लास मिलने पर सपा कार्यकर्ता आग बबूले हुए। वहीं ईवीएम छेड़छाड़ का आरोप लगाते हुए सपा कार्यकर्ताओं ने 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन भी किया था। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि निगरानी बढ़ाई है। वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने छीनी हथौड़े ताले प्लास के तस्वीर शेयर करते हुए ट्विटर पर लिखा था कि लखनऊ में सभी के लिए प्रबंधित ईवीएम स्टरिंग रूम के सरकारी अधिकारी के घुसने का प्रयास बेहद गंभीर मामला है। वहीं सपा गठबंधन के सभी प्रत्याशियों पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को अपील की कि सभी जगह ईवीएम स्टरिंग रूम की निगरानी बढ़ा दें। जब तक गिनवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं।